अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्या करना सही होगा, बीएड या बीटीसी या डीएलएड। जी हाँ दोस्तों, 2019 में आप लोगों को क्या करना सही होगा, क्योंकि आपका बीटीसी का फॉर्म आने वाला है। तो काफी बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है कि सर हम क्या करेंगे और किसमें ज्यादा हमें फायदा मिलेगा। देखिए, आप लोग का मेन टारगेट, सबका फोकस यही है कि हमें आगे चल के टीचर बनना है। जी हाँ दोस्तों, टीचर तो आप लोग दोनों तरीके से बन सकते हैं। और आपको पता होगा कि बीएड के बच्चे भी आज की डेट में सहायक अध्यापक का पेपर दे सकते हैं। मतलब बीएड करने से भी डबल फायदा, बीटीसी करने से सिर्फ आप सहायक अध्यापक बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुछ हम टारगेट रखे, मेन टारगेट क्या है कि कुछ पर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी दोस्तों फीस की, किसमें कितनी फीस लगती है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें बीएड कॉलेजेस की, जो प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है वो 51,250 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर, और सेकेंड के दोस्तों होता है 30,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, पहले साल दूसरे साल में इतना होता है। और आपके जो बीटीसी कॉलेज की फीस आती है वो पहले साल 41,000 और दूसरे साल भी 41,000 ही होती है। और फिर दोस्तों बात आती है गवर्नमेंट कॉलेज में कितना पैसा लगता है, तो ये लगभग 15,000 अप्रोक्सीमेटली है दोस्तों, और 12,000 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, इसी के करीब लगते हैं दोस्तों। लेकिन बीटीसी में जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है वो 10,200 रुपए, और सेकेंड ईयर भी 10,200 रुपए। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें क्या है, देखिए फीस का, देखिए हर साल स्ट्रक्चर ऊपर नीचे होता रहता है, तो हो सकता है इस बार 51,000 से थोड़ी कम भी फीस हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो वो तो बाद में अपडेट होता रहेगा कि क्या फीस आ रही है। अभी तो आपका रिजल्ट आने को बचा है दोस्तों, 15 मई को एक्सपेक्टेड है कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, ठीक है, 15 मई तक आ जाएगा रिजल्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हमें क्या करना चाहिए। देखिए फीस की बात करें तो लगभग दोनों की फीस तो बराबर आ रही है, यहाँ दोनों जोड़ दिया जाए दोस्तों तो प्राइवेट कॉलेज में 82,000 बन रहा है, और यहाँ पर भी 50 और 30 होता है 80, तो 81,000-82,000 दोस्तों यहाँ भी बन रहा है। अगर आप बीटीसी या बीएड, देखिए सभी बच्चे प्राइवेट कॉलेज से ही अधिकतर करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से कुछ ही बच्चे कर पाते दोस्तों, या तो जिनकी मेरिट अच्छी होगी। यहाँ पर देखिए बीटीसी में मेन बात होती है मेरिट किसकी कितनी अच्छी है, और बीएड में होगा दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में आपकी रैंक क्या बन रही है, जिन बच्चों की रैंक अच्छी रहेगी उनको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एज की लिमिट क्या है। देखिए दोस्तों बीएड की अभी तक फिलहाल कोई एज लिमिट हमें नहीं मिली, तो इसमें दोस्तों नो एज लिमिट है। और लेकिन बीटीसी अगर आपको दोस्तों करना है तो आपको कम से कम 18 साल का होना चाहिए, वो भी लगभग दोस्तों 1 जुलाई 2019 तक अगर आपने 18 साल कंप्लीट कर लिया है तो आप लोग बीटीसी कर सकते हैं। अब बात रही दोस्तों बीटीसी में अधिकतर एज क्या है, देखिए मैक्सिमम दोस्तों एज की लिमिट होती है 35 साल अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी एससी और एसटी के लिए 40 साल, और दोस्तों अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो आपके लिए 50 साल एज हो जाती है। तो दोस्तों ये डिफरेंट डिफरेंट एजेस हैं जिस पर आप लोग बीटीसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक चीज सोचिए, आप अगर 40 साल के हो गए हैं, आज की डेट में अगर आपकी उम्र 40 साल है, अगर आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं या ओबीसी से आते हैं, अगर आपको मन है कि बीटीसी में करना है तो दोस्तों कर तो सकते हैं, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि आने वाले टाइम में कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। देखिए कोई भी एज की लिमिट मैक्सिमम तब दी जाती है कि इतने तक बच्चा कर सकता है, लेकिन दोस्तों आप क्या तैयारी कर पाएंगे आने वाले टाइम में। देखिए फाइट इस बार बहुत जबरदस्त होगी, कोई भी बच्चा किसी उम्र में कर तो सकता है दोस्तों, लेकिन आपकी तैयारी भी अब अलग होगी। पहले क्या होता दोस्तों कि और हम देखेंगे, अगर आपको बीएड करना है तो आपके लिए कम से कम कितने परसेंटेज चाहिए होंगे, तो 50% जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए कितने परसेंट में, और एससी और आपका ये है दूसरा एसटी है दोस्तों, ये एससी और एसटी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर एससी और एसटी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको सिर्फ ओनली पास होना है तो आप बीएड कर पाएंगे। अगर दोस्तों यही बात करें यूपी डीएलएड बीटीसी की, तो द एप्लीकेंट मस्ट हैव क्लियर्ड देयर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50 मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, आपको 50% नंबर चाहिए होगा। लेकिन अगर दोस्तों आप लोग एससी ओबीसी या एसटी कैटेगरी से आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप है, या दोस्तों आप लोग फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विस मैन कैटेगरी से आते हैं, तो आपके लिए सिर्फ 45% नंबर चाहिए होंगे। और दोस्तों जो बच्चे बीटेक के होते हैं उनके लिए एक अलग परसेंटेज होता है, जो कि दोस्तों 55% हो सकता है, वो एक्सपेक्टेड है। अगर उसमें कुछ आएगा तो हम उसको आपको अपडेट करेंगे बाद में, ये बीटेक वालों के लिए होता है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों चेंज होता रहता है, तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे ही अपडेट होगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। देखिए यहाँ पर काफी कंडीशंस आपके सामने यहाँ पर दिख रही है, अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तभी आप लोग बीएड और बीटीसी कर पाएंगे। लेकिन आज हमारा मेन टारगेट था ये आपको क्लियर करना है कि बीएड या बीटीसी में आपको क्या करना चाहिए होगा। देखिए बीटीसी जिसका नाम बदल के डीएलएड हो चुका है दोस्तों, लेकिन आप लोग इसको बीटीसी समझिए, क्योंकि बीटीसी ज्यादा फेमस है आज के डेट में भी, डीएलएड को कोई नहीं जानता। तो बात आती है दोस्तों बीटीसी या बीएड, आपका मेन टारगेट क्या होगा, सहायक अध्यापक बनना।
लेकिन क्या होता क्या है कि अगर आप लोग बीएड करते हैं तो आप लोग दोस्तों टीजीटी पीजीटी भी दे सकते हैं ना, तो आपके पास ऑप्शन बढ़ गए। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन प्लस प्लस होते जा रहे हैं, और भी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन बीटीसी करने के बाद सिर्फ आप सहायक अध्यापक बन पाएंगे, ये बात तो आपके लिए श्योर है। मतलब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। बात दोस्तों आकर यहाँ फंसती है कि अभी आपका बीटीसी और बीएड वाला केस कोर्ट में चल रहा है, बीटीसी और बीएड का। जी हाँ दोस्तों, जिसमें बीटीसी के बच्चों ने मांग कर रखी है कि यहाँ पर बीएड के बच्चों को बाहर किया जाना चाहिए। अगर दोस्तों बीएड के बच्चे बाहर नहीं होते तो बीटीसी का फ्यूचर पूरी तरीके से अंधेरे में हो सकता है। आने वाले टाइम में कोई बीटीसी नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम बीटीसी करेंगे तो हमें फायदा क्या है, आप ये सोचिए। अगर कोई बच्चा बीएड करके भी टीचर बन सकता है, मतलब यूपी असिस्टेंट टीचर बन सकता है या प्राइमरी लेवल का टीचर बन सकता है, तो बीटीसी करके लड़के क्या फायदा होगा दोस्तों। जब बीएड वाले के पास दोनों ऑप्शन होगा, प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल, सभी लेवल का, तो हम बीटीसी वाले करने से क्या फायदा होगा, आपके पास सिर्फ प्राइमरी लेवल का ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों अभी हम आपको एक बात क्लियर करना चाहेंगे। अभी ये आपका केस कोर्ट में चल रहा है कि दोस्तों कभी कभी आप लोग सुने होंगे, जैसे शिक्षा मित्र बाहर हो चुके थे, एक बार उनको नौकरी मिली थी, समायोजन हुआ था शिक्षा मित्रों का, ऐसे मतलब शिक्षा मित्र है तो उनको बाहर किया गया था, तो क्या बीएड को बाहर किया जा सकता है दोस्तों, ये भी सवाल उठता है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर किसी के पास नहीं है। कोर्ट है, कोर्ट में केस कुछ भी होता है, कभी भी कोई बाहर हो सकता है, अंदर हो सकता है, लेकिन उम्मीद दोस्तों यही रहेगी कि अब आने वाले टाइम में बीएड बाहर नहीं होगा। अगर होता है तो दोस्तों बीटीसी के बच्चों का फ्यूचर रहेगा, नहीं तो दोस्तों बीटीसी का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर यहाँ से बीएड बाहर हो गया, मतलब वो यूपी असिस्टेंट टीचर या सहायक अध्यापक बनने से रेस से बाहर किया जाता है, क्योंकि इनके पास ऑप्शन तो और है, लेकिन इनके पास बहुत से विकल्प खुले हुए हैं। अब बीटीसी के बच्चों के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। मतलब अगर कोई बच्चा बीटीसी करके 40-40 हज़ार, 41 हज़ार फीस देता है, लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है 2 साल में, तो क्या इनके बच्चों के लिए कुछ फ्यूचर तो होना चाहिए दोस्तों। फ्यूचर प्लानिंग क्या है इनके पास? कुछ नहीं है दोस्तों, आपने मेहनत करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में होगा क्या दोस्तों, हम आपको बताते हैं। इसके बाद आपको एक यूपी टेट का पेपर पास करना होता है, जो बच्चे नहीं जानते हो, या सी टेट का पेपर पास करना होगा। अगर दोस्तों आप लोग ये दोनों पेपर तो बीएड के बच्चे भी दे सकते हैं और बीटीसी के बच्चे भी देंगे, इसको पास अगर दोस्तों आप लोग कर लेंगे तो उसके बाद आपका एक मेन पेपर होगा जिसका नाम होता है सुपर टेट, या जिसको बोल सकते हैं शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, या लिखित तो होती नहीं दोस्तों, अब तो आपकी ऑब्जेक्टिव हो चुकी है, तो ये पेपर भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो बच्चा अच्छे नंबर लाता है उसको नौकरी मिलती है। ये है आपका पूरा प्रोसीजर नौकरी पाने का। और एक और हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें नौकरी का लेवल क्या होता है, कैसे लिया जाता है। 10% दोस्तों आपका लिया जाता है कक्षा 10 का, 10th का, ठीक है। और दोस्तों 10% फिर लिया जाएगा दोस्तों आपका कक्षा 12th का, मतलब 12 का। फिर दोस्तों उसके बाद 10% आपका लिया जाएगा ग्रेजुएशन का, ठीक है, ग्रेजुएशन का। फिर दोस्तों उसके बाद 60% दोस्तों जो अंक लिया जाएगा आप वो आपका लिया जाएगा सुपर टेट का। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा यही रहता है, लेकिन एक चीज और हम लोग भूल रहे हैं, और उसका नाम होगा 10%। यह तो अगर आप दोस्तों बीटीसी करेंगे तो बीटीसी का लिया जाएगा, या अगर आप बीएड करेंगे तो बीएड कर लिया जाएगा। तो दोस्तों एक चीज हम आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे, अगर जो बच्चा बीटीसी करता है वो आसानी से, ठीक है, थोड़ा बहुत सही है पढ़ने लिखने में, तो वो 90% बना सकता है। अगर जो बच्चा बीएड करता है दोस्तों, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, और उनके परसेंटेज आते हैं 65 से 80% के बीच में, ठीक है, 65 से 80% के बीच में इनके अंक आते हैं। तो आप लोग दोस्तों एक चीज हम यहाँ आपको क्लियर करना चाहेंगे कि बीएड करने में थोड़ा सा आपके यहाँ से 1 से 1.5 गुणांक का फर्क आएगा दोस्तों। अगर 90 का मतलब होता है 10% के हिसाब से 9 अंक आते हैं, ठीक है, ये एवरेज नंबर होता है, मतलब अधिकतर बच्चे 90% ला सकते हैं। और लेकिन बीएड में दोस्तों जो अधिकतर बच्चे लाएंगे वो लाएंगे 70%, मतलब 7 अंक का गुणांक बनेगा सबका। तो यहां पर दोस्तों ये 2 अंक का डिफरेंस आपको दिख रहा है, सिर्फ 2 अंक का। और दोस्तों ये 2 अंक का डिफरेंस काफी बड़ा हो जाता है, जब आप लोग पेपर में नौकरी पाने की बारी आएगी तो वहां से आपका 0.1 से भी नौकरी मिलेगी और 0.1 गुणांक से नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये दोस्तों छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आगे चलकर बड़ी बनती हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप इसमें फाइट करना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये काफी बड़ा सवाल है कि क्या आप 0.1 0.2 से, क्योंकि अगर आपके एकेडमिक नंबर अच्छे हैं, मतलब हाई स्कूल इंटर हर जगह आपने अच्छे अंक प्राप्त किए, तो आपको बीएड भी करना सही रहेगा, क्योंकि आप लोग वहां तो ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके पिछले भी नंबर कम रहे इंटर हाई स्कूल में, तो आपके लिए बीटीसी भी दोस्तों सही विकल्प होगा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ 2-2 अंक का गुणांक बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल अधिक होता है बीटीसी में या डीएलएड में, तो इसलिए इनके नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन मेन दोस्तों होता है आपका ये, देखिए 60% आपका हमने बताया ना सुपर टेट का पेपर होता है, तो यहाँ से आप फायदा उठा सकते हैं।
तो दोस्तों देखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर आपको सिर्फ सहायक अध्यापक बनना है या तो आपको सिर्फ प्राइमरी लेवल पर नौकरी करनी है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए दोस्तों बीटीसी अच्छी होगी। अगर आपका टारगेट और है कि नहीं हम जूनियर लेवल में जाएंगे और भी हमारी तैयारी हो सकती है, तो आप लोग के लिए बीएड भी अच्छा विकल्प होगा। जो बच्चे कमजोर होते हैं वो बीटीसी करेंगे, अच्छा आसानी से पास हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए बीटीसी और यूपी टेट का सिलेबस भी थोड़ा बहुत मिलता रहता है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, तो आपको यहाँ से थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। देख लीजिए दोस्तों, आप लोग के मन में जो भी विचार है आप लोग बता सकते हैं हमें कमेंट्स करके। देखिए काफी बच्चों के अंदर डाउट्स रहते हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि जब बीएड की जो फॉर्म आई थी उसके 5 लाख से अधिक बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। इसका दोस्तों रीजन यही है कि बीएड में लड़कों का क्रेज क्यों बढ़ा है, क्योंकि अब वो टीचर बन सकते हैं, इसलिए दोस्तों सभी बच्चों ने फॉर्म भरा था बीएड का। नहीं तो दोस्तों आज से पहले पिछले साल तक कोई बीएड को पूछता नहीं था, लेकिन अब सबको पता है कि बीएड करने से उनको ज्यादा अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा कहीं भी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक बच्चे ये केस में चलेगा, मतलब कोर्ट केस में ये मामला चलता रहेगा, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। और लेकिन दोस्तों उम्मीद भी काफी कम रहेगी कि बीएड को बाहर किया जा सकता है, क्योंकि आने वाली सरकार जानते हैं ना दोस्तों, आप लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी करती है। अब हमें नहीं लगता कि कोई भी सरकार इतना बड़ा रिस्क लेगी कि बीएड को बाहर करने का मतलब हिम्मत करेगी। दोस्तों ये काफी बड़ा रिस्क रहेगा, क्योंकि आप योगी सरकार ने काफी बड़ा काम करके दिखाया कि बीएड को इस शिक्षक भर्ती में ले आए, तो मतलब दोस्तों लाने से तो अच्छी बात हुई है, लेकिन बीटीसी के बच्चों के लिए थोड़ा सा खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक बच्चे आसानी से बीटीसी करके नौकरी पाते थे, लेकिन दोस्तों अब उनको नौकरी पाना आसान नहीं होगा। एक बात और जाते जाते आपको वीडियो में बता देना चाहते हैं दोस्तों, अभी इससे पहले आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी, मतलब इतनी पोस्ट थे, इतनी वैकेंसियां थी, जिसमें लगभग बच्चों ने अप्लाई किया था लगभग 1.5 लाख, 1.5 लाख के करीब दोस्तों, या 1 लाख की बच्चों ने अप्लाई किया था, ठीक है। इस बार दोस्तों जो 69,000 भर्ती आई उसके कुछ महीने बाद आती है, इसमें जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो 4,10,000 बच्चे, जी हाँ दोस्तों 4,10,000 बच्चों ने अप्लाई कर दिया। इसका दोस्तों सबसे बड़ा कारण क्या था पता है, इस बार दोस्तों यहाँ पर बीएड वाले बच्चे आ गए, सम्मिलित हुए, तो दोस्तों आप लोग ने देखा इतनी जल्दी 1 लाख से 4 लाख में बात बदल गई। अब दोस्तों आने वाले टाइम में अगर कोई वैकेंसी 10,000 भी आएगी ना, 10,000 पोस्ट भी आएंगे ना, तो उसमें जो अप्लाई करने वाले बच्चों की संख्या होगी वो 10 लाख के करीब होगी। तो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है, 10,000 वर्सेस 10 लाख की बात होगी, तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए बीटीसी करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पढ़ाई अच्छी करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको पढ़ाई का लेवल इंक्रीज करना होगा, अब फिफ्थ गियर से नीचे काम नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों, आप लोग फर्स्ट गियर से नहीं आएंगे। जब बीटीसी में एडमिशन लीजिएगा दोस्तों डीएलएड में, पहले दिन से आपका टारगेट होना चाहिए यूपी टेट और सी टेट। जी हाँ दोस्तों, बीटीसी की पढ़ाई 2 घंटे में पढ़ाया जा सकता है, जो बच्चे ठीक ठाक पढ़ने में 2 घंटे में बीटीसी को खत्म कर सकते हैं, सीटेट और यूपीटेट। अगर आप लोग इसको अच्छे से क्लियर करेंगे तो आपका मेन टारगेट तुरंत हो जाएगा सुपर टेट, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अब ये वैकेंसी भी आप लोग की एसएससी लेवल की हो चुकी है। हम बता रहे जो बच्चे 68,500 में थे उन्होंने समझ लीजिए एक मौका था नौकरी पाने का, इससे आसान नौकरी दोस्तों जिंदगी में कभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जिसमें से 68,500 जो सीटें थी इसमें पास होने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 41,000 थी। जी हाँ दोस्तों, मतलब 68,500 बच्चे पास भी नहीं हो पाए, मतलब उनकी कट ऑफ दोस्तों पता है आपको क्या रखी गई थी, 40 और 45, मतलब ये परसेंटेज है। अगर जिन बच्चों ने 150 नंबर में से 60 नंबर ले आया वो पास है, 60 और 67, 60 नंबर दोस्तों था एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए, और 67 नंबर था दोस्तों ओबीसी और जनरल के लिए। तो इतने कम नंबर में दोस्तों जो लिया पास होगा। और एक चीज और बताएं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, माइनस मार्किंग नहीं थी, तो ऐसी वैकेंसी दोस्तों अब लाइफ में देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि शिक्षा मित्रों का समायोजन था, इसलिए दोस्तों इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिली। आने वाले टाइम में कंपटीशन टफ रहेगा, आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना चाहिए, दोनों में मेहनत उतनी लगती है दोस्तों, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत हो दोस्तों कमेंट्स करिएगा, एक और वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस।